नमस्कार, मैं उदयशंकर, न्यूज बाइस्कोप में आप सबों का स्वागत है। बात करेंगे झारखंड की, तो झारखंड में आदिवासी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सत्ता पर काबिज हैं। इसके बावजूद आदिवासियों की जमीन लूट, उनके शोषण और तमाम मामलों को लेकर आदिवासी जमीन के दस्तावेजों में हेराफेरी करने वाले अधिकारियों के खिलाफ, भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण देने के खिलाफ आदिवासी संगठन आज बापू वाटिका में जुटे और उन सबके बीच बाबूलाल मरांडी पहुंचे। बाबूलाल मरांडी ने इस मौके पर कहा भी कि जो हेमंत सरकार है वो जानबूझकर आदिवासी जमीन की लूट करा रही है और आदिवासियों का शोषण हो रहा है। कई आदिवासी संगठनों के लोग उस कार्यक्रम में शामिल थे और बापू वाटिका में धरना प्रदर्शन करते हुए सरकार को ये संदेश दिया गया कि जो अधिकारी आदिवासी जमीन की लूट में संलिप्त हैं उन पर कार्रवाई की जाए। आप देखिए, आदिवासियों की धार्मिक, सामाजिक और रीति रिवाज वाले जमीनों की लूट के खिलाफ यह आंदोलन बुलाया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। मदन, जिस तरह से बाबूलाल मरांडी उनके बीच पहुंचे, ये बड़ी बात है कि आदिवासी संगठनों का धरना था और बाबूलाल मरांडी उनके बीच पहुंचे और उन्होंने खुलकर हेमंत सोरेन पर निशाना साधा, क्या कुछ मायने हैं इसके? बिल्कुल, देखिए, आज आदिवासी समाज के लोग बापू वाटिका मोरावादी में एक दिवसीय धरने पर बैठे थे। ये मूल रूप से जो आदिवासी समाज के संस्कृति से जुड़ा हुआ जो धार्मिक जमीन है या फिर जो उनके अपने जमीन है, पैतृक या पुस्तैनी जमीन है, उससे छेड़छाड़ की जा रही है, उसे हड़पने के आरोप जो है तमाम समाज के लोगों ने लगाया है। तो आज उस धरने पर बैठे लोगों के बीच बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी पहुँचते हैं और जमकर हेमंत सरकार पर हमला बोलते हैं। वो कहते हैं कि ये सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है, खास करके जो जमीनों के कागजात से छेड़छाड़ की जाती है, जो सीओ दफ्तर में जो कागजों में बदलाव किए जा रहे हैं, इससे यह स्पष्ट संदेश जाता है कि राज्य सरकार के सह पर यह सब हो रहा है और जमीन की लूट किसी से छिपा नहीं है। ये बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार की निरुकंशता के बारे वजह से जो है ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है कि आज आदिवासी समाज के लोग जो हैं धरने पर बैठे हैं। उन्होंने कहा कि ये सरकार आदिवासी के बात करते हैं, आदिवासी का नाम जरूर लेता है, राजनीति जरूर करता है, वोट भी लेता है और आदिवासी समाज के लोग इन्हें सहयोग भी करते हैं, लेकिन फिर भी ये धोखा देने का काम करते हैं, आदिवासी समाज के लोगों को छलने का काम किया है। तो ऐसे में अब लोग जागरूक हो रहे हैं, इस सरकार के झूठी बातों में नहीं आने वाले। ये तमाम आरोप बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने लगाया और सीधे तौर पर कहा कि आने वाले दिनों में समाज के लोग अगर इसी तरह से आंदोलन करते रहे तो उनकी ज़मीन तभी बच पाएगी, नहीं तो जो स्थिति है उनकी ज़मीन जो है लूट ली जाएगी, उनसे छीन लिया जाएगा और अधिकारियों के बदौलत ये सब होगा। तो ऐसे में सरकार को गंभीरता से लेने चाहिए। अगर ये सरकार नहीं लेती है तो आने वाले दिनों में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो इस पर ज़रूर पहल की जाएगी और रोक लगाया जाएगा। मीडिया कर्मियों से भी उन्होंने आग्रह किया कि आप जो ये लोग पहुँचे हैं, जिनके अपने दर्द हैं, जिनके ज़मीन लूटे गए हैं, उनकी बातों को आप लोगों तक पहुँचाइए, सरकार तक पहुँचाइए। हमारी बातों को आप अगर नहीं भी पहुंचाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इन गरीबों के, इनके दर्द को आप जरूर पहुंचाएं। हाँ मदन, देखिए, आदिवासी का मुद्दा इन दिनों झारखंड में खूब चर्चा में है। बीजेपी लगातार हमला बोल रही है कि जो आदिवासी मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, उन्हें पद से हटा दिया गया, फिर परिवारवाद आ गया। वही ये भी कहा जा रहा है कि हेमंता बिस्वा सरमा लगातार हमला कर रहे हैं कि हेमंत सोरेन के आसपास जितने सलाहकार हैं उनमें से कोई आदिवासी नहीं है। तो क्या माना जाए कि बीजेपी जिस तरह से इन मुद्दों को उभार रही है, इन मुद्दों को उठा रही है, उसी रणनीति के तहत बाबूलाल मरांडी वहां पहुंचे और एक बार ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि आदिवासी हितों का इस सरकार में पालन नहीं हो रहा है या उनका अहित हो रहा है? साधे और वो कहे कि जो बातें करके सरकार सत्ता में आई थी, ये पार्टी आई थी, जल जंगल जमीन की रक्षा करने की बात कह रही थी, आदिवासियों की संख्या को बढ़ाने की बात की थी, ऐसे में उनका संरक्षण नहीं हो रहा है बल्कि दोहन हो रहा है, उस पर जो है जबरन कब्जा किया जा रहा है। तो इससे उन्होंने सीधे तौर पर सरकार को दोषी ठहराते हुए कहा कि ये सब कुछ सरकार के संरक्षण में हो रहा है और सिर्फ आदिवासी के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, उनसे वोट ले रहे हैं, उनके विकास का कोई काम नहीं हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब चुनाव से पहले ये आदिवासी किसके हितेशी या कौन आदिवासियों के लिए भला कर सकता है, इसको लेकर के सियासत अभी से शुरू हो गई है।
चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से यह आंदोलन छेड़ा गया और एक मैसेज देने की कोशिश की गई है, वहां बाबूलाल मरांडी की मौजूदगी क्या असर दिखाती है और सरकार की तरफ से इस पे क्या रिएक्शन आता है, ये देखने वाली बात होगी।